दाजी अगर घर में जिरगा लगेगी तो सब बातें हो। चुप, मैं जानता हूं ये सब झूठ है। खाना यही ले आऊं? ये सफीउल्लाह किसके कमरे में है, गुलालाई के या शीरी के? मालूम नहीं, पूछ के हम। अरे ये कोई पूछने की बात है? इस घर में रहती हो तो पता होना चाहिए तुम्हें, पता होना चाहिए कि कौन किसके ऊपर वो छेड़छाड़ सामने आ रहा है और कौन मुझे आंखें दिखा रहा है। ये हो क्या रहा है? सब घरों में ऐसे ही होता है, आप परेशान ना हो। जा जाके सफीउल्लाह को बुला। आज तो मेरी हिमायत में बहुत बोल रहे थे, आज पहली बार पता चला कि तुम्हारे मुंह में जुबान भी है और तुम बोल भी सकते हो। पता नहीं किस तरह मेरी आवाज ऊंची हो गई, ताजी को बहुत बुरा लगा। सच हमेशा बुरा ही लगता है। ये अच्छा है कि ताजी ने अपनी अकल इस्तेमाल की और बानो की उस घटिया इल्जाम के तह तक पहुंच गए। ताजी बहुत अकलमंद है, वो तुम्हारे किरदार और बानो की जज्बाती तबीयत को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं जल्दबाजी कर गया, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सुभान अल्लाह, पहली बार मेरे हक में बोले और अब डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, अफसोस हो रहा है। सबके सामने मुझे दाजी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ठीक है, माफी मांग लो दाजी से, कह दो कि तुम आइंदा गुलाले के हक में कभी बात नहीं करोगे। तुम्हारे किरदार के बारे में कोई भी बात करे तो मैं बोलूं। अच्छा ठीक है, दाजी का खौफ दिल से निकाल के मुझे ये बताओ कि सुबह तुम मुझसे कौन सी बात करने वाले थे, तुमने औरंग से क्या बात की है? मैं ये कह रहा था कि मैंने औरंग से बात की है कि वो सबसे छुपा के तुम्हें शहर ले जाए। शहर क्यों? तुम्हारे इलाज के लिए और क्यों? अगर दाजी को पता चला ना तो ना वो मुझे छोड़ेंगे ना औरंग को। तुम्हें तो छोड़ देगा लेकिन मेरे औरंग को कभी नहीं छोड़ेगा।